नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का अगर आप कुछ इस प्रकार से है, आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार आप अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो यहाँ पे मेरा कॉर्नर है तो हम यहाँ पे इस तरह से अपने सुई को निकाल लेंगे अपने लाइन से थोड़ा सा आगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और इसके बाद देखिए ये मेरा लाइन यहाँ पे सीधा आ रहा है तो हम इसी तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे देखिए और फिर अब देखिए मेरा ये लाइन अब यहाँ आ रहा है, ऊपर गया है। तो इस तरह से यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए और फिर अब यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसके नीचे से निकालते हुए यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ये लाइन यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ आएंगे इस तरह से तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेके आना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर जाना है और फिर अब हम यहाँ से देखिए और इस तरह से इस धागे के ऊपर से आना। यहाँ से हम नीचे से आए थे तो यहाँ हमें इस तरह से ऊपर से जाना है और फिर यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे। मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे देखिए इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और जब यहाँ पे आएंगे तो हम अपने सूट को इस धागे के इस तरह से नीचे से लेकर आएंगे और फिर हम यहाँ से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने सूट को इसके नीचे से निकालेंगे और फिर यहाँ भी सेम इसी तरह से और फिर अब हमें इसके नीचे से होते हुए इस धागे के ऊपर से आएंगे। देखिए इस तरह से हमें इसके ऊपर से आना है फिर यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ ही यहाँ आ रहा है। इस डिज़ाइन का इस्तेमाल हम अगर हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके ऊपर और नीचे अगर ये डिज़ाइन लगाएंगे तो ये बॉर्डर की तरह काम करेगा और उससे मेरे डिज़ाइन की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। देखिए इस तरह से आएंगे यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर इसके नीचे से जाते हुए अब हमें इस धागे के ऊपर से आएंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना
और देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो हम इस तरह से इसके नीचे से अपने सूर्य को निकालते हुए यहाँ पे थोड़ा सा आगे इस तरह से हम अपने सूर्य को नीचे कर लेंगे। अब देखिए मेरा यहाँ पे इस तरह से मैंने ये बना लिया। अब देखिए अब आपका ये ग्राफ यहाँ 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 और इस तरह से ऐसे है। तो अब हमें करना क्या है देखिए, तो इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे जो मेरा ग्राफ है, इससे थोड़ा सा आगे देखिए इस तरह से निकालना है। और यहाँ पे हमें अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से और इसके ऊपर से लेकर आना है। और फिर देखिए इस तरह से हम यहाँ पे, और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से बनाना है और फिर इसके नीचे से लेकर आना है देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर से हम आएंगे देखिए इस तरह से। और जब हम यहाँ आएंगे तो हमें यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से और इसके नीचे से करते हुए यहाँ पर अपने सुई को निकाल लेना है देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ पे आएंगे और मैं यहाँ पे आप फिर से बताऊँगी कि यहाँ पे किस तरह से करना है। देखिए इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेते हैं देखिए। फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, इसके नीचे से इसके ऊपर से आते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा यहाँ पकड़ना है और यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे देखिए। और फिर अब हम यहाँ इसके नीचे से होते हुए इस धागे के ऊपर से आएंगे, यानी कि अल्टरनेट करना यहाँ नीचे और यहाँ ऊपर। और फिर यहाँ पे इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और यहाँ पे इन दोनों के नीचे से देखिए इस तरह से इन दोनों को नीचे से होते हुए हम यहाँ पे अपने सुई को निकाल लेंगे और इसी तरह से हमें इन सब को भी बना लेना है देखिए। इस तरह से हम यहाँ पे अपने सुई को निकालेंगे, फिर यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए फिर इस तरह से हम यहाँ पे निकालेंगे और फिर यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे। फिर देखिए यहाँ से इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इस धागे के यहाँ नीचे से और यहाँ ऊपर से आना है, यानी कि अल्टरनेट करना है। फिर हमें इस तरह से यहाँ पे हल्का सा देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ा है और इसके बाद यहाँ से इस तरह से इन दोनों के ऊपर होते हुए यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने सुई को निकाल लिया है देखिए। और इस तरह से ये यहाँ पे बन गया है। अब मैं आपको बताऊँगी कि आगे फिर क्या करना है देखिए। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए इस तरह से जो दो धागे का क्रॉस है यहाँ पे मैंने अपने सुई को निकाल लिया है। आप चाहे तो अभी यहाँ पे दूसरा रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी रंग का इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद का यहाँ कोई भी, जैसे मैंने ग्रीन लिया है तो रेड येलो जो भी कॉम्बिनेशन का कलर है, या आप ग्रीन में ही थोड़ा सा डार्क ले सकते हैं देखिए। इस तरह से मैंने यहाँ दो धागे का क्रॉस है वहाँ पर अपने सुई को निकाले। अब हमें यहाँ पर आना देखिए इस तरह से, और इसके बाद देखिए जो ये हल्का सा क्रॉस है इसके बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे जो नीचे में धागा है। इसके बाद इस तरह से जो नीचे में धागा है उसे हम उठा लेंगे अपने सुई पे देखिए इस तरह से। फिर हम यहाँ पे आएंगे यहाँ भी इसी तरह से जो पहला वाला धागा है उसे हमें
इस तरह से। जो पहला वाला धागा है उसे हम अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे आने के बाद भी हमें यहाँ पे इस क्रॉस से अपने धागे को निकालना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ से इसके बीच से निकालेंगे फिर हम यहाँ आएंगे। और फिर इस तरह से हमें पहले वाले धागे को इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना है। देखिए इस तरह से और फिर यहाँ यहाँ भी इसी तरह देखिए पहले वाले धागे को हम इस तरह से अपने सुई पे उठाएंगे और अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। सेमी सर्कल बनाते हुए हमें इसी तरह से इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया है। अब देखिए इस तरह से हम फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले धागे के देखिए इस तरह से बीच से अपने सुई को निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे जो पहला वाला धागा है उसे इस तरह से अपने सुई से उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हमें एक एक करके बनाना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। देखिए इस तरह से हम अपने धागे को इस तरह से पहले वाले धागे को सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ भी इसी तरह से हमें इस तरह से बना लेना है और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से क्योंकि मेरा ये यहाँ पे सेमी सर्कल बन रहा है और यहाँ से जब यहाँ आएंगे देखिए इस तरह से इस धागे को भी हम अपने सुई पे उठाएंगे और यहाँ पे देखिए एक नीचे में ये धागा है इसे में इसे भी हमें इसी तरह से अपने सुई पे उठा लेना है और अब हम यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे तो पहले वाले धागे को हमें अपने सुई पे उठाना है देखिए यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने पहले वाले धागे को सुई पे उठा लिया और देखिए फिर इसे हम उठाएंगे क्योंकि ये मेरा धागा नीचे था। आपको मैंने पहले भी बताया है इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि सुई पे हम उसी धागे को उठाएंगे जो नीचे। देखिए ये इस धागे को ऊपर है ये नीचे है तो इस तरह से हम इसे उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ से अब यहाँ इसके बीच से अपने सुई को निकालेंगे और फिर यहाँ से हमें पहले वाले धागे को इस तरह से उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे भी इसी तरह से इसके बीच से निकाल लेना है फिर इस तरह से इसे उठा लेना है और फिर यहाँ पे इस तरह से हम इसे भी इस तरह से उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला धागा है उसे हमें अपने सुई पे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब इसमें आएंगे और जब हम इसमें आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए
यहाँ पे इस तरह से हम इस धागे को हल्का सा लूज करेंगे और पहले वाले धागे को उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे। पहला वाला धागा उठाएंगे, अब हम यहाँ आएंगे। जब यहाँ आएंगे तो इसी तरह से देखिए ये धागा और ये धागा जो नीचे है इसे भी हमें अपने सुई पे उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे और इसी तरह से इन सबको भी बना लेना है। देखिए इसी तरह से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ भी इसी तरह से हमें बना लेना है। और अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से और इसके बीच से भी हमें इस तरह से अपने सुई को निकाल लेना है। इस तरह से पहले वाले धागे को इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे और अपने सुई को अब हमें यहाँ पे इसके नीचे इस तरह से निकाल लेना है। और ये देखिए ये इस तरह से बन गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी मेरा एक एक स्टेप बाकी है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे अपने सुई को निकाला था, देखिए यहाँ पे नीचे किया था, तब हमें अपने सुई को इस तरह से देखिए ठीक इसके बगल में यहाँ पे हमें अपने सुई को निकाल लेना है इस तरह से। देखिए हम यहाँ पे इस तरह से अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से जो ये पहला वाला धागा है इसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे और इसके बाद अब हम यहाँ पे दूसरा वाला छोड़ते हुए तीसरे वाले को इस तरह से हमें अपने सुई पे उठा लेना है अल्टरनेट करते हुए। अब हम यहाँ भी इसी तरह से करेंगे, ये जो नीचे में मेरा पहला वाला धागा है इसे हम उठा लेंगे और फिर इसे भी इसी तरह से उठा लेंगे देखिए सुई को पे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी चार धागा है तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट करना है, पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे देखिए इस तरह से। और ये सेम चीज़ यहाँ भी करना है अल्टरनेट करते हुए अपने सुई को देखिए इस तरह से पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हम अपने धागे पर इस तरह से सुई पे उठा लेंगे धागा को और यहाँ पे इस तरह से फिर हम अपने सुई को यहाँ पे नीचे कर देंगे देखिए इस तरह से। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना है
तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम यहाँ पे सुई को निकालेंगे, देखिए इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये वाला धागा नीचे है, तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो नीचे धागा रहेगा उसे हमें अपने सुई पे सहायता से ऊपर उठाना है। तो इस तरह से मैंने, मेरा धागा यहाँ पे नीचे था तो मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया, और इस तरह से देखिए इस नीचे में धागे वाले को मैंने धागा जो है इसे मैंने इसे अपने सुई पे उठा लिया है, और दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इसी तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे। फिर यहाँ भी चार धागा, बस आपको यही करना है कि अल्टरनेट करना, पहला उठाना दूसरा छोड़ना है, फिर तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे, और यहाँ भी यही करना है, देखिए इसी तरह से। अल्टरनेट कर लेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भी यही करना है। और फिर यहाँ पे हम अपने सुई को नीचे कर लेंगे, देखिए, और यहाँ से फिर हम यहाँ निकालेंगे, और यहाँ भी सेम इसी तरह से जैसे मैंने इसमें और इसमें किया है, इसी तरह से हमें सेम इन सब में कर लेना है। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए मैंने यहाँ अपने सुई को इस तरह से यहाँ पे निकाल लेना है। आपको हमेशा यहाँ पे अपने सुई को, जैसे मैंने यहाँ निकाला, फिर यहाँ निकालिएगा, यहाँ निकालिएगा इस तरह से, क्योंकि मेरा ये धागा यहाँ पे नीचे है, अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये नहीं बनेगा, तो इस तरह से हमें यहाँ पे निकालना है। और ये धागा जो मेरा नीचे है इसे हम अपने सुई पे उठाएंगे, फिर इसे छोड़ेंगे दूसरे को, फिर तीसरे को, देखिए तीसरा धागा भी नीचे था तो हमने इसे अपने सुई पे उठा लिया है, और इसी तरह से यहाँ भी देखिए ये धागा नीचे है तो इसे उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, और तीसरे को उठाते हुए चौथे को छोड़ देंगे, और फिर यहाँ आएंगे, यहाँ भी चार धागा तो यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट करना है, देखिए। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से, और देखिए फिर अब हम यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से नीचे निकाल लेंगे और गांठ लगा लेंगे, देखिए अब ये मेरा डिज़ाइन बन गया है। और इसे बनाना तो कितना आसान है, और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।